यस एक्चुअली ये मेरा रूम सेटअप जो है ये 1 लाख वर्थ के अबव है, इसका प्राइस ज्यादा है। हमारे मेन टॉपिक जो है उस पे हम आएंगे, बट उससे पहले एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ और एक शॉर्ट स्टोरी है उसके बारे में भी मैं बोलना चाहता हूँ। बेसिकली गाइस, लोग मुझे ज्यादा पूछते हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है, आप ज्यादा किसको फॉलो करते हो। बट व्हाट आई बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई डोंट फॉलो एनीवन, आई डोंट मेक एनीवन एज अ रोल मॉडल, बिकॉज आई फील दैट आई एम ए पर्सनल रोल मॉडल फॉर माई सेल्फ। ठीक है, बिकॉज मेरा मानना यह है कि मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, लोगों से आइडिया लेता हूँ, मैं लोगों से नॉलेज लेता हूँ, बट मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। वो आइडिया को मैं अपने तरीके से मिर्च मसाला लगा के एकदम क्रिएटिव वे पे थिंग्स को प्रेजेंट करता हूँ। तो मैं, मेरा मानना ये है गाइस, इवन मैं आपको भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप किसी को भी फॉलो करते हो तो डायरेक्टली उसको उस बेसिस पर फॉलो ना करें, आप अपनी क्रिएटिविटी लेवल भी उस पर डालें और उस चीज़ को प्रेजेंट करें गाइस। ठीक है, सो गाइस, छोटा सा स्टोरी ये है कि मैं ये रूम को किस तरीके से बनाया और मेरे मन में किस तरीके से ये थॉट आया कि मैं ये रूम को बनाऊं। बेसिकली मेरे जो पुराने व्यूअर्स होंगे उनको ये पता होगा कि मैं पहले किस तरीके से वीडियो बनाता था। मैं अपने स्मार्टफोन से बनाता था और स्मार्टफोन से अभी मैं DSLR में कन्वर्ट हो चुका हूँ। और इनफैक्ट तब मेरा बैकग्राउंड एक अलग रहता था, तब सिंपल सा वाइट वॉल रहता था और उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग या फिर कोई भी डिफरेंट टाइप की पेंटिंग जो रहती है वो लगाए रखी रहती थी बैकग्राउंड पे। और अभी मेरा ये रूम सेटअप आ चुका है। एक्चुअली ऐसा होता है ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, उसी तरीके से मेरे पास DSLR आया। पहले फ़ोन था, फ़ोन से DSLR आया। फिर मेरे दिमाग पे ये आता था कि यार मेरे एक रूम सेटअप होना चाहिए जहाँ पे अच्छा लुक, डेप्थ ऑफ फील आए, अच्छा लुक आए, जहाँ पे एक इंप्रेशन अच्छा गिरे, उसी तरीके से मैंने ये अपना रूम सेटअप डिज़ाइन किया। बट मेरे एक फ्रेंड है, उनका नाम है मधुस्मिता पटनायक, उनका भी एक चैनल है यूट्यूब पे, आप उनको भी जाके सर्च कर सकते हैं। उनका यूट्यूब चैनल मधुस्मिता पटनायक है। शी ऑल्सो मेक्स वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। एक्चुअली हम दोनों थोड़ी सी गॉसिप कर रहे थे, थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे, बट दैट टाइम शी सेड दैट कि आई वॉज जस्ट मेकिंग माई रूम सेटअप। तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा स्ट्राइक आया कि यार मेरे को भी बनाना था, सो आई जस्ट आस्क्ड कि हाउ यू हैव मेड दैट। तो उन्होंने सब कुछ टिप्स बताए, इस टिप्स को मैं आपको लास्ट एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज आपको पूरा वीडियो फुल देखना पड़ेगा और आप एंड में जान सकते हैं कि आप किस तरीके से अपना रूम सेटअप बना सकते हैं। सो गाइस, बेसिकली चलिए हम अपना रूम का ओवरलुक लेते हैं, मेरे पास क्या क्या सामान है और मैं किस तरीके से उनको डेकोरेट किया हूँ उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसको चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बेसिकली यस एक्चुअली ये मेरा रूम सेटअप जो है ये 1 लाख वर्थ के अबव है, इसका प्राइस ज़्यादा है। एक्सेप्ट मेरे DSLR और लाइटिंग कंडीशन जितने हैं उनको छोड़ के मेरे पास जो सामान है वो 1 लाख के अबव है। आपको मैं दिखाता हूँ किस लिए ये 1 लाख के अबव है। सो गाइस, सबसे पहला चीज़ जो मेरे पास है ये मेरे प्राइजेस वगैरह हैं जो मेरे पीछे लगे रहते हैं, ये मेरे प्राइजेस हैं। इनका वैल्यू तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है गाइस, बिकॉज क्योंकि इसमें जब मैं मिस्टर झारसूड़ा बनाता जिस इनफैक्ट कहीं भी मैं मॉडलिंग शो जाता हूँ वहाँ से जो प्राइज विन किया वो यहाँ पे है। इवन मेरे कुछ स्कूल टाइम की जो प्राइजेस वगैरह हैं ये भी यहीं पे है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह के भी प्राइजेस यहीं पे है। और बेसिकली मेरे पास और बहुत सारी प्राइजेस है, बट जितना अच्छा लगे, सूटेबल लगे ये मेरे रूम कंडीशन को, उतना ही मैं प्राइजेस यहाँ पे रखा हूँ और उसको मैं प्रेजेंट किया हूँ। सो गाइस, इसकी प्राइस इतनी महंगी क्यों है मैं आपको ये बताता हूँ, बिकॉज ये जो पेंटिंग है बड़ी साइज की है और इसमें जो कलर यूज़ किया वो बहुत हैवी ड्यूटी एक्रेलिक कलर यूज़ किया गया है, इवन कैनवस बोर्ड पे है। इसके ऊपर मैंने वार्निश भी यूज़ किया है ताकि इसकी क्वालिटी लाइफ इन्हेंस हो, इसलिए मैंने इसके ऊपर वार्निश भी यूज़ किया है। बट ये तो एक अलग फील्ड है, ये उसकी
मतलब वर्थ प्राइस है, बट इसकी मेन वैल्यू इसकी इतनी ज़्यादा क्यों है, बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसे नॉलेजेबल चीज़ें हैं। और इनफैक्ट मेरी मम्मा जो है वो एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के ऊपर बुक स्टडी करती है, उनसे मैंने एक एडवाइस लेके ये सारी पेंटिंग्स को मैं बनाता हूँ। जैसे कि अगर ये बुद्धा की पेंटिंग को आप अपने घर पर रखते हैं तो आपके घर पर पीस, शांति, सक्सेस, कॉन्सेंट्रेशन पावर वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में इम्प्रूव होती है। पेंटिंग जब मैं बनाता हूँ तो ये सोच कर बनाता हूँ कि वो पेंटिंग अगर कोई परचेज भी करता है और अपने घर पे एक अच्छा सिचुएशन प्लेस पर रखता है तो उसकी लाइफ में एक इनहेंस आती है, उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आती है, तो उस बेसिस में मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाता हूँ। सो गाइस, बेसिकली ये बुद्धा पेंटिंग जो है इसका नाम है बुद्धा विथ फाइव मॉन्क्स। ये इनके फाइव मॉन्क्स हैं जो इनको एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। ये बुद्धा अपना जो गुड जो थॉट्स रहता है, उनका जो स्पिरिचुअल रहता है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब इनके जो ये फाइव मॉन्क्स रहते हैं ये सुन रहे हैं उस टाइम पे। एक्चुअली क्या होता है, जब बुद्धा स्पिरिचुअल पावर उनको गेन नहीं हुआ था, जब वो फुली एलाइटमेंट नहीं हुए थे, तो अगर आपको एलाइटमेंट का मतलब नहीं पता है तो आप इंटरनेट में गूगल पे सर्च करके जान सकते हैं एलाइटमेंट मतलब क्या होता है। तो एक टाइम ऐसा था जब ये फाइव मॉन्क्स उनको छोड़ के चले गए थे, और जब बुद्धा एलाइटमेंट हो के आए, उनको मतलब फुली स्पिरिचुअल बन के आए, तब ये फाइव मॉन्क्स उनके पास फिर से रिटर्न आ जाते हैं ताकि उनसे वो ज्ञान प्राप्त कर सके और उनसे वो नॉलेज ले सके। तो बेसिकली ये एक मूवमेंट वो है जब बुद्धा ज्ञान स्प्रेड कर रहे हैं, नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं। तो जब बुद्धा नॉलेज स्प्रेड करते हैं तो क्या होता है, जो ब्लैक कोबरा रहता है, जो सबसे जहरीला वाला कोबरा रहता है, वो भी उनके पास आके सुन रहा है और उनको समझ रहा है, इवन उनको काट नहीं रहा है, वहाँ पे वो प्रेजेंट कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ जो पीछे हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो भगवान के सबसे बड़े बड़े भगवान होते हैं वो भी आते हैं बुद्धा को सुनने में। और बुद्धा एक क्या है, ये नौवे अवतार है विष्णु के, तो इनके पीछे जो हमारे जो जगन्नाथ की जो चक्र रहती है वो उनके पीछे है। इनफैक्ट मोर अपना पंख सिर्फ कृष्ण भगवान को देता है, तो ये वो मोर अपना पंख दे रहा है क्योंकि बुद्धा भी कृष्ण के ही अवतार है, विष्णु के अवतार है, तो उनको ये मोर का पंख भी उनको दे रहा है। और इनफैक्ट जब बुद्धा जब स्पिरिचुअल चीजें बात करते हैं तब रात से शाम और शाम से रात कब हो जाता है वो पता नहीं चलता है, तो इसलिए इस साइड पे ये शाम हो रहा है और इस टाइम पे ये रात हो चुका है बेसिकली। और इवन नीचे पार्ट पे अगर हम आते हैं तो बेसिकली क्या होता है गाइस, लोटस जो रहता है वो कभी भी पानी छोड़ के कभी भी ऊपर नहीं आता है, तो वो बुद्धा के हाथों पे आके वो बैठ रहा है लोटस अपने आप आके। इनफैक्ट लोटस का जो लीव्स रहती है वो सिर्फ अपने ऊपर लोटस को ही बैठने देती है, बट बुद्धा एक इतने बड़े पहुंचे हुए इंसान है जब वहां पे बुद्धा भी बैठ रहे हैं उनके ऊपर। और बेसिकली गाइस यहाँ बुद्धा के आंचल पे ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स रहता है, तो वो प्रेजेंट मैंने किया है गाइस यहाँ पे। और एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये है स्वर्ण जो कि मछली को खाता है। तो बुद्धा जब स्पिरिचुअल बातें करते, ज्ञान देते हैं, जब नॉलेज स्प्रेड करते हैं, तब क्या होता है बेसिकली ये स्वान भी उनको उतना ध्यान से सुन रहे हैं, उसके पास उसका खाना भी आ रहा है, फिशेस जो रहती है उसके पास आ रहे हैं, वो उनको नहीं खा रहे, उनको छोड़ दे रहा है, बेसिकली ये उसका मीनिंग है। और साथ में और एक डिप्ट मीनिंग ये है कि जो ये शंख रहते हैं और जो ये मोतियाँ रहती है, ये डिप्ट ऑफ द सी रहती है, बहुत गहराई पे रहती है, और मोती सीपियाँ जो रहती है वो कभी भी अपने मोती को किसी को प्रेजेंट नहीं करती है। हम मोती किस तरीके से निकालते हैं, मोती को हम सीपियों को मारने के बाद ही मोती निकाल सकते हैं, तो फिर भी यहाँ पे सीपियाँ जो है ये बुद्धा को अपनी मोती ऐसी प्रेजेंट करी, बिकॉज बुद्धा जो है उतने बहुत ही ज्ञानी इंसान है, उतने पहुँचे हुए इंसान है, इसलिए वो इतना प्रेजेंट कर रहे हैं। इवन इनके माथे पे इतना बड़ा जो तिलक है ये एलाइटमेंट का सिंबल है। एक्चुअली एलाइटमेंट मतलब पूरा फुल्ली ज्ञान प्राप्ति ले लेना, उनको एलाइटमेंट बोलते हैं, तो वो एलाइटमेंट है उनका वो चिन्ह है जो उनके माथे पे वो चमक रहा है। सो गाइस उसी तरीके से मेरे पास यहाँ अराउंड 12 से 13 पीसेस की पेंटिंग्स है, तो उसकी हर एक की प्राइस डिफरेंट है, कोई 25,000 की है, कोई 20,000 की है, और बेसिकली ये वाली जो बुद्धा की पेंटिंग है ये सबसे ज़्यादा महंगी है, 50K की है, 50,000 की है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा रूम सेटअप जो है ये 1 लाख के अबव की प्राइस की है। और बेसिकली गाइस मेरे जो ये DSLR है इसकी प्राइस तो अलग है, और इनफैक्ट ये जो लाइटनिंग का चार्जेस है और ये फ्रंट लाइट जो है ये अलग है, इनको मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ। आप भी गाइस अपने रूम सेटअप को इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मेरा मानना ये नहीं है कि बस मैं एक यूट्यूबर हूँ तो अपने रूम को डेकोरेट कर रहा हूँ, अपने रूम को क्लीन करके रख रहा हूँ।
ऐसा नहीं है, इवन साइंटिफिकली ये भी प्रूफ है कि गाइस अगर आप अपने रूम को, बेडरूम को स्पेशली एकदम क्लीन वे पे रखते हैं तो क्या होता है, आपका माइंड भी उसी तरीके से वो क्लीन रहता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा टाइम आप अपने बेडरूम में स्पेंड करते हैं गाइस, ठीक है। तो बेडरूम एकदम क्लीन रहता है तो क्या होता है, आपके माइंड पे भी वो स्ट्राइक करता है और उतना पीस शांति आपको फील करवाएगा, उतना कॉन्सेंट्रेशन पावर, उतना फोकसिंग पावर आपको प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली मेरा मानना भी ये रहता है और मैं आपको भी ये बोलता हूँ कि आप भी अपने रूम को क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें, ताकि आपका माइंड भी एकदम एक्टिव रहे, प्रोएक्टिव रहे। तो मैं भी आपको ये बोलूँगा कि आप भी अपने रूम को क्लीन रखो गाइस। मैंने जो वो टिप सुना था, अभी टाइम आ चुका है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपके पास जो शोकेस करने वाली चीज़ें, शो पीस जो चीज़ें हैं, आप उसकी एक पहले से कलेक्शन बना ले, आप उसको एक सेपरेट एरिया पर रख दे, ठीक है। जैसे मेरे पास मेरी पेंटिंग्स थी और प्राइजेस वगैरह हैं, तो इसको मैंने अपने दिमाग में फिट कर लिया कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं जो मैं शो कर सकता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, आपके घर पर जितनी भी शो वाली चीज़ें हैं जो शोकेस कर सकते हैं, आप अपने जो रूम सेटअप है उसमें लगा सकते हैं। और सेकंड एडवाइस ये रहेगा कि गाइस आप थोड़ी सी ये फेरी लाइट वाली लाइटिंग यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये बैलेंस फील करवाएगी, आपके माइंड को बहुत रिलैक्स फील कराएगी। कभी भी आप ये रूम पे बैठ के, अपने रूम पे बैठ के कोई भी काम करेंगे तो उसमें बहुत एक्टिव रहेंगे और वो काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे गाइस। तो गाइस आज का वीडियो व्लॉग जो था बहुत स्वीट सा था, सिंपल सा था। अगर ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, अपनों की केयर कीजिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट गाइस यू आर द बेस्ट वन।